प्रयागराज स्वरूप रानी अस्पताल में स्टाफ नर्सों का हड़ताल जारी है। नर्सों का आरोप है कि डॉक्टर मुकुल सिंह द्वारा जो वार्ड में काम कर रही महिला नर्सों के साथ लगातार बदतमीजी की जा रही थी, जिसका विरोध में अब नर्स सौ सेवा ठप कर हड़ताल में बैठ गई। सुबह से ही नर्स अस्पताल में भर्ती जो तीमारदार और मरीज आ रहे हैं, सौ सेवाओं की सुविधा नहीं मिलने की वजह से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। महिला नर्सों का आरोप है कि डॉक्टरों की जिस तरह से दबंगई तानाशाही अस्पताल के अंदर रात को चलती है, उसका हम सब भी विरोध करते हैं। अस्पताल प्रशासन जिस तरह से डॉक्टर ने महिला नर्स के साथ बदतमीजी किया, अस्पताल प्रशासन जब तक उसके ऊपर बर्खास्ती नहीं करेगी, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करेगी, तब तक सभी महिला नर्सें काम पर वापस दोबारा नहीं आएंगी, क्योंकि लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। डॉक्टर आते हैं रात को, शराब के नशे में आते हैं और नर्सों के साथ असभ्य भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जिसका हम सभी विरोध करते हैं और इसके लिए हड़ताल पर बैठे हैं। आते हैं बोलते हैं कोई वार्ड बॉय बोलेंगे या सिस्टर नर्स बोलेंगे तो उनके साथ गलत करेंगे और गोली मार देंगे। क्या ऐसी कभी घटना हुई है? एक बार नहीं, दो तीन बार हो चुकी है। और धमकी दे के चले जाते हैं कि गोली मार देंगे तुम लोग को अगर कोई बोलेगा तो। कल रात में हमसे जब मिले थे तो हमको बोले हैं कि तुम कौन हो गए, तो हम बोले कि हम वार्ड बॉय है, तो बोले कि अपना मास्क खोलो। हम जब मास्क खोले तो हम तो बोले तुम पहले मेरा पैर छुओ, जब हम उनका पैर छुए तो बोले भाग जाओ। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है नवीन पंडित, बीजेपी नेता। डॉक्टर मुकुल सिंह मुर्दाबाद। जो आप लोग इकट्ठा हुए हैं किस वजह से? हम लोग इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि आए दिन डॉक्टर मुकुल सिंह आते हैं वार्ड में, बदतमीजी करते हैं, पी करके आते हैं और सब सारे स्टाफों के साथ वो करते हैं। एक स्टाफ का नहीं है, सारे परमानेंट स्टाफ हो चाहे संविदा के स्टाफ हो, सबके साथ वो ऐसा करते हैं, चाहे वार्ड बॉय हो चाहे सुपर किसी के साथ। अननेसेसरी मारते हैं, यूं ही मारते हैं, आए दिन मारते हैं। क्या हरकतें क्या क्या करते हैं? हरकतें क्या, बस अननेसेसरी नाम पूछेंगे चाहे सब कुछ भी बोल करके। ये नहीं है कि कोई मुद्दा लेकर के ऐसे ही मार डालते हैं। बदतमीजी बोलेंगे, कोने में आओ, स्टाफ बुलाते हैं कोने में आओ। तो कब ऐसी घटना आप कल रात में कब हुई? दो ढाई बजे कर, साढ़े ग्यारह बजे हुआ है ये घटना। हम लोग बैठे थे। कौन सी तारीख थी? सात तारीख को रात में 11 बजे। हाँ। अच्छा क्या किया गया उनके? दारू क्या ड्रिंक करके आए, कैसे क्या है? नहीं, कैसे हरकतें पता चल जाती है? बदतमीजी करते हैं, सबसे बदतमीजी से बात करते हैं। ड्रिंक करके आए थे, ड्रिंक करके आए और मारे हैं। लिपस्टिक पाउडर देखते हैं, काजल देखते हैं और क्या। तुम क्या करते आई हो? और यही ना, स्टाफों को कोने में बुलाते हैं, आप इधर आइए, दरवाजा खटखटाएंगे रात में 2-3 बजे रात में। राउंड का टाइम होता है 2-3 बजे रात में, तो दरवाजा खटखटाते हैं। अरे अगर कोई प्रॉब्लम है मरीज को, हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, केयर नहीं कर रहे हैं, बताए ना। नहीं में नहीं, अगर मरीज को डर लग रहा है, कोई प्रॉब्लम हो तो हम स्टाफों से बताएं, लिखित कंप्लेन करें हमारे एसआईसी को, हमारे प्रिंसिपल को। अगर नहीं निवारण होगा, वो हाथ मारने वाले कौन होते हैं? मारने का कोई अधिकार नहीं है किसी को भी। कानून को लेने का अधिकार तो किसी को नहीं, यहाँ तक प्रधानमंत्री को भी नहीं है, मगर वो मारते भी हैं सबको। हाँ मारते हैं, बंदूक हमेशा उनके पास रहता है। हाँ बंदूक मर्डर करते हैं, इसका मतलब थोड़ी डर जाएंगे। क्या मर्डर भी करते हैं? क्या मर्डर? हाँ, अपने साथ में लेके आते हैं।